सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। निसफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाली श्रेष्ठ परीक्षाएं हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वे सदैव सफल होते हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। आज का पंचांग 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 8:56 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। धनुराशि 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार, आपके माता पिता या सलाहकार को अभी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, जिससे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे। काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेष रूप से ऐसी कोई चिंता जो आपको परेशान कर रही है। जीवन के सार्थक अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप भावनाओं की जटिलताओं से दूर रहकर संसार के सुखों का मजा लेना चाहते हैं। आपका धीरज आपके चाहने वालों को आकर्षित करेगा हर वक्त की तरह। आज भी आपका समय अद्वितीय है। हार जाने के डर को जीवन के उत्साह से ज्यादा बड़ा ना होने दें। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आज का समय व्यतीत करना आपके लिए मान सम्मान तथा नए उपलब्धियां उपलब्ध करवाएगा। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। बातें जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे। उतनी तेजी से आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाने के कारण परिस्थिति को अपना आपा फिलहाल आपको ठीक लग सकता है। अपना पाना फिलहाल आपको ठीक लग सकता है। बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार ही प्रगति करेंगी। केवल आपके अंदर की क्षमता कम होने के कारण इन्हीं बातों को ठिकाए रखना आपको मानसिक तकलीफ और तनाव दे सकता है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को छोटे टारगेट को पूरा करने पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पूर्ण प्रेमी के साथ बातचीत बढ़ने के कारण पार्टनर के साथ सुधरे हुए संबंध भी हमेशा के लिए बिगड़ सकती हैं। सावधानियां, आज कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार अवश्य करें। जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी घर में चल रही किसी समस्या को साथ बैठकर सुलझाएंगे तो अवश्य सफल होंगे और घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। लाइफ की किसी भी स्थिति में आप अपने साथी पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अपनी मानसिक शक्तियों और आत्मविश्वास से आप पूरा संसार जीतने का समर्थन रखते हैं। अपनी चाहत का प्रमाण देने के लिए तैयार रहें। इसके लिए अपने प्रिय को उपहार दें या एक दूसरे के लिए कुछ अलग करें। आज आप दुनिया के सुखों का मजा लेने में व्यस्त रहेंगे। अपना शांत स्वभाव सबको आकर्षित करा सकता है। अपने साथी और परिवार के साथ वक्त गुजारें। अपने यौन क्षितिज का विस्तार करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें। अलग अलग यौन तरीकों को सीख और आपका जीवन स्पाइसी हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आपका कार्य और घर दोनों आपके समय की मांग कर रहे हैं। इसे दुख या अप्रत्याशित बीमारी से आप आहत अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आपके साहस में कमी नहीं आएगी। दूसरों के पाप या पुण्य का हिसाब लगाने से पहले अपने अंदर की बुराई को साफ कर लें। एक अच्छे अनुभव की आपकी इच्छा आपको अपने साथी से
प्यार का इजहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपका शांत मूड आज आपके सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। आज कुछ भी हो आपके लिए, आपकी प्राथमिकता आपका परिवार ही रहेगा। याद रखें, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा सिर्फ बदलते मौसम से अपना बचाव रखें। पेट में गैस बढ़ने के कारण आपको बेचैनी भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।